हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। दिल्ली पुलिस की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जहाँ पर एमटीएस की रिक्रूटमेंट है। एमटीएस की रिक्रूटमेंट करने के लिए किस तरह से एप्लीकेशन करना है, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। अप्रॉक्स यहाँ पर देख सकते हो 500 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकल के आया है। तो यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन करना है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ हर बार की तरह जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाता है, तो इस बार भी लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन करने के लिए। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे क्लियरली आप लोगों को देख सकते 490 वैकेंसी विद रिक्रूटमेंट फॉर द कांस्टेबल एक्स मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, जहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, किस तरह से करना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे कुक, मोची, कारपेंटर, सफाई कर्मचारी, धोबी एंड आधार पोस्ट के लिए जहाँ पे 1000 वैकेंसीज निकल के आया है। अप्लाई करना होगा आपको ऑनलाइन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन करना चाहते हो वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस के अंदर जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन तीनों जो स्टेप है, इन तीनों स्टेप के ऊपर बेस करके आपको जो है सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सैलरी, तो मिनिमम आपको 15,000 से 20,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको भी मैं आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ साथ अगर बात करें एज क्राइटेरिया, तो यहाँ पे 18 से 27 ईयर्स तक यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो 18 से 27 ईयर, और एज इलेक्शन भी आपको मिलेगा। फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए कोई भी एज इलेक्शन नहीं है। SC ST के लिए यहाँ पर मिलेगा आपको 5 ईयर्स एंड OBC के लिए आपको 3 ईयर्स के एज इलेक्शन आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें, 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, और SC ST PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी एप्लीकेशन फ़ीस को आप लोग ऑनलाइन में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग यहां पे दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो 10th पास होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर आप लोग मैट्रिक पास करके बैठे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे फास्ट में आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए लिंक आपको मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हो। लास्ट डेट इसका है 31 अक्टूबर 2022, उससे पहले ही आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। तो दोस्तों पुलिस विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर जॉब अपडेट प्लीज़ विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithsobhik.com, जहाँ पर आप लोगों को डेली जॉब अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब, इस तरह की जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपको वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।